आईपीएल में रातों रात मयंक यादव हमें सुपरस्टार बनते हुए नजर आ चुके हैं, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पीबीकेएस के बीच हुए मुकाबले में इन्होंने शिखर धवन को 155.8 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाली थी। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ये इतनी तेज गति की गेंद डाल चुके हैं। दरअसल इससे पहले डोमेस्टिक सर्किट में भी ये हमें दिल्ली की टीम की साइड से खेलते हुए नजर आते हैं और वहां पर डोमेस्टिक सर्किट में हमें ऑलरेडी 160 से भी ज्यादा की गेंदबाजी लगातार करते हुए नजर आते हैं। दरअसल इनके नाम पर 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली डिलीवरी भी दर्ज है, जो कि हमने आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो के थ्रू दिखाया था। तो ऐसे में आने वाले टाइम में मयंक यादव भारतीय टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, और ना सिर्फ ये भारतीय टीम के लिमिटेड ओवर्स में बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में भी काफी इंपॉर्टेंट गेंदबाज होने वाले हैं। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से मयंक यादव को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनकी कल की गेंदबाजी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।